हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि जो मैं आप लोगों से बताते हुए भी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के साथ जो अन्याय किया वो कभी आप लोग मत करना। और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पता नहीं कैसे हो गया है ऐसे, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। अपने कान्हा के साथ मैंने इतना बड़ा अन्याय किया, कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अपने कान्हा के साथ ऐसा करूँगी। तो आप लोगों से मैं बताती हूँ और दिखाती भी हूँ मैंने कान्हा जी के साथ क्या किया, क्या अन्याय किया। आप लोग देखिए, अपने आँखों से ही देखिए और मैं आपको बताती भी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी के साथ मैंने क्या अन्याय किया। जो मेरी बगल की पड़ोसन है, आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बार वीडियो डाला है, सत्या की सुमन, उनकी हस्बैंड अचानक छत से गिर गए परसों और उनको बहुत बुरी तरीके से चोट आ गई है, बहुत ज़्यादा जख्म हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईसीयू में हैं, अभी निकले नहीं हैं। बस उसी के चक्कर में कल मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, फिर मुझे भागा दौड़ी थोड़ा इधर उधर, फिर मैं रात में भी गई उनको समझाने और मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब भी हो गई थी, उनकी चोट देख के अंदर से टूट भी गई थी। क्योंकि हम लोग, हम और वंदना, सत्या की सुमन तीनों और सपना चार लोग हैं, चारों एक बहन बहन की तरह रहते हैं और सबके सुख दुख में हम लोग अपना बराबर हिस्सा रखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मुझसे गलती हो गई कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कल नाइट में सुलाना ही भूल गई थी और हमारे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रह गए पूरी रात। क्यों मैं नहीं देख पाई, क्योंकि बिना लड्डू गोपाल को देखे मैं आज तक सोई ही नहीं हूँ। क्या हुआ कल आखिर, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल को देखी ही नहीं कि हमारे दोनों कान्हा पूरी रात ऐसे बैठे रहे। जब मैं सुबह उठकर देख रही हूँ, मैं नहीं देखी, मेरा बेटू देखा, बोला मम्मी कान्हा जी ये तो आज नहीं सोए हैं। मैं सोची हाँ, मैं ये इतनी बड़ी गलती। तो फिर मैं समझ लो फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख हुआ आज। आज मैं बहुत दुखित हूँ, अपने कान्हा जी को देख रही हूँ, कान्हा जी बार बार मुंह फेर ले रहे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये मम्मा कल मुझे तो ऐसे ही छोड़ के चली गई थी और पूरा ऐसे हमारा भोग तो लगा था फ्रेंड्स, पर कान्हा जी को अपने सुनाना भूल गई थी मैं, ऐसे ही पूरी रात बैठे रहे। अब चलती हूँ, आज अब भोग भोग तो लग गया है लड्डू गोपाल जी को हमारे, और स्नान भी कर लिए हैं। बस फ्रेंड्स, यही करना है कि अब इनको सोच रही हूँ, दोपहर 12 बज गए हैं, अब इनको सुला दूँ, फिर 3 बजे इनको आराम से उठाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमारे लड्डू जी थक गए हैं, पूरी नाइट जगे हैं और जो है अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बैठे रहेंगे, खुद को ही नहीं। अभी हम लोगों को पूरी नाइट बैठने को बोल दो और फिर दिन में बैठने को बोल दो तो कैसे लगेगा फ्रेंड्स। वैसे तो हमारे कान्हा जी भी हैं, थक जाते हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को सुला दूँगी अभी 10 मिनट बाद, अभी तो नहीं सुलाऊँगी फ्रेंड्स। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, यही गलती हुई थी हमसे। तो फ्रेंड्स, फिर जो है अब लड्डू गोपाल को 10 मिनट बाद सुलाएंगे, अभी तो हम वंदना खाना वाना बना रही हैं उनके लिए ले जाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल भी खाना ले जाना पड़ता है। तो वंदना सब्जी रोटी बना रही हैं और हम इधर थे, पापा आ गए थे ऑफिस से, तो नाइट ड्यूटी करके मैं उनको खाना वाना दी और अथर्व को भी दी, क्योंकि उनके मुँह में अथर्व के मुँह में छाले पड़ गए हैं, थोड़ा इधर उधर कर रहा है कि मैं ये नहीं खाऊँगा वो नहीं खाऊँगा, फिर उनका सब्जी रोटी बन जाए जल्दी जल्दी। मैंने भी फटाफट सब्जी वब्जी कटवा लिया है कि जल्दी हो जाए थोड़ा, और वो बना रही हैं सब्जी रोटी और बन जाए फिर हम दोनों जाते हैं, उनको खाना देकर आते हैं, तब हॉस्पिटल से कोई आएगा और हॉस्पिटल तक खाना ले जाएंगे। और आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए हमारे पड़ोसी का हस्बैंड जल्दी अच्छा हो जाए, सत्या की सुमन की, सुमन के सत्या जी जल्दी अच्छे हो जाएं, उनका भी नाम सुमन है, उनके हस्बैंड जल्दी अच्छे हो जाएं। आप लोग फ्रेंड्स भगवान से ही दुआ करिए, क्योंकि उनको चोट जो है बहुत गहरी आई है, पसली की 3 हड्डियां टूट गई है और ये कलाई पूरी उनकी टूट गई है, चोट बहुत आई है फ्रेंड्स, और कान से ब्लीडिंग बहुत हो रहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल।